हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेज है। प्रदेश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन हालात उसके बावजूद भी बेकाबू है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने खुद मोर्चा संभाला है। सीएम कई जिलों के दौरों पर हैं और अस्पतालों में तैयारियों का जायजा सीएम की ओर से लिया जा रहा है। कोरोना को लेकर जो हालात हैं, उन पर अधिकारियों के साथ सीएम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में कोरोना के ताजा आंकड़े रोजाना चौंका रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद तो बढ़ रही है, साथ ही मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह से प्रदेश में कोरोना के रोजाना 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग घातक विषाणु को कंट्रोल करने में लगा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और अस्पतालों में सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को 4 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन किया। नूह में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना की रोकथाम के लिए फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की वजह भी बताई। लॉकडाउन लगा करके कोई किसी को आनंद आता है? लॉकडाउन एक मजबूरी वश, एक समय की आवश्यकता के हिसाब से हमको लगाना पड़ा है और ये इसके कारण से लोगों को कठिनाई तकलीफ होती है, मालूम है। लेकिन इससे भी ज्यादा हमारी चिंता है कोविड की, कोविड कोरोना ना फैले, उसको ना फैले, इसलिए लोग जो है अपने घरों में रहें और लोग बहुत आवश्यक है तभी बाहर आए, अन्यथा घर में रहेंगे तो इसका जो फैलाव है उस चक्र को हम तोड़ पाएंगे, इसी कारण से इसको मजबूरी में लगाना पड़ा। पलवल में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कमियों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए कोरोना नियमों के पालन की भी अपील की। कोविड का बढ़ता प्रभाव है, अब इसमें चूंकि सब तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग व्यवस्थाओं के नाते से हर चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, जहां कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वैसे तो कल से प्रदेश में पूरा ठीक हो गया है, जहाँ जितनी आवश्यकता है सब जगह पहुँच रही है। अब कुछ इंडिविजुअल्स को जो गैस सिलेंडर देने हैं उनकी आवश्यकता और हमको ध्यान में आ रही है। आज सब जगह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अस्पतालों की आवश्यकता पूरी हो गई है वहाँ वहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं डॉक्टर की परामर्श के ऊपर उनको भी गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। कोरोना की लहर नहीं, सुनामी नहीं बल्कि प्रलय है, जिसे जल्द से जल्द काबू करना जरूरी है। मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन से प्रदेश के अस्पतालों में तूफानी दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ मैराथन मंथन कर रहे हैं। कमियों और सुविधाओं को बड़ी ही करीबी से देख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोरोना से बिगड़े स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार होता है। गुरुग्राम से करण जैत सिंह, पलवल से दिनेश कुमार और नूह से कासिम खान के साथ फतेहाबाद से जसपाल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।